वाराणसी कैंट विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूजा यादव के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। यूपी में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में काशी की जनता अपना मतदान करेगी, ऐसे में कैंट विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूजा यादव भी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम 6 बजे उनके कार्यालय का उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। इस दौरान सपा नेत्री पूजा यादव ने प्रेस वार्ता की और कहा कि जो कार्यालय बनाया गया है वो कैंट विधानसभा के सेंटर यानी कि केंद्र में बनाया गया है। इसके चलते विधानसभा में आने वाले सभी वार्ड के लोग सरलता से कार्यालय पहुंच सकते हैं और अपनी समस्याओं को संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कैंट विधानसभा की जनता पिछले 30 साल से काफी परेशान चल रही है और वे लोग इस बार समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएं और सपा उनसे उनके सारी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करेगी। इसके आगे पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने पर पूजा यादव ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, सपा में विष्णु शर्मा जैसे शानदार महानगर अध्यक्ष हैं और कई बेहतरीन नेता भी सपा में शामिल हैं। देखिए, पूरे ऊर्जा से आज हम समाजवादियों ने कैंट विधानसभा में ये केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हमारे आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी ने किया है, आशुतोष सिन्हा जी के कर कमलों द्वारा हुआ है और हमारे महानगर अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और हम लोग यही आज संकल्पित होते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का परचम कैंट विधानसभा में लहराएगा। देखिए, मुद्दे मतलब किल्लत है तो कैंट विधानसभा में, कैंट विधानसभा इस समय जितनी तकलीफ में गुजर रही है, इन 30 सालों से कैंट की जनता सीवर युक्त पानी पी रही है। आप सोच सकते हैं कितना दुखद होता है महकता हुआ पानी पीना। आप सोच सकते हैं बजरडीहा के लोग बज बजाती मल मूत्र तैरती हुई गलियों पे जब सुबह सुबह जाते हैं निकल के, तो उनको कितना दर्द सहना होता है। कोई दर्शन करने जाता है, कोई मस्जिद में नमाज अदा करने जाता है, वो कितना दर्द सहता है। आप ये बताइए कि जनता नेता को क्यों चुनती है, कि वो उनकी तकलीफ़ों को दूर करे। लेकिन यहाँ का तो जो विधायक है उसको जनता की कोई परवाह ही नहीं है। तो काशी की जनता और हमारे कैंट विधानसभा की जनता के आदेश से मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ और हमारे परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता जो झंडा ढोने का काम भी करती है, ऐसी कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया। एक खिलाड़ी को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया, एक महिला को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं उनका हृदय से आभार करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ अपनी काशी की जनता से, अपने कैंट विधानसभा की जनता से, कि आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मुझे भारी मतों से विजयी बनाए कि मैं आपका सेवा कर पाऊँ। देखिए, आज जिस तरह से पूरा का पूरा कैंट विधानसभा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूंसी में तो कैंट विधानसभा के लोग वास्तव में सीवर युक्त जल पीने के लिए मजबूर हैं, बरसातों में घुटने तक और कमर तक पानी में जाने आने के लिए मजबूर हैं। आज स्थिति है कि सड़क, सीवर, पानी, बिजली जो मूलभूत समस्या होती है एक आम आदमी की, उससे पूरा कैंट विधानसभा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इतने ज़्यादा परेशान लोग यहाँ पर हैं। वास्तव में जो चर्चा इन्होंने किया, आप समझिए, बजरडीहा से लेकर आप चले जाइए मुर्गिया टोला और वहाँ जितने भी अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, वहाँ स्थिति बहुत बद से बदतर है। अब उसकी बात छोड़ दीजिए, जहाँ हमारे विधायक का घर है, 30 साल से विधायक हैं, बरसात होती है तो कमर तक पानी लग जाता है, विधायक जी घर से निकल। मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, वाराणसी। आज कैंट विधानसभा का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों के लोकप्रिय बनारस के नौजवान दिलों की धड़कन स्नातक MLC आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और आज कैंट विधानसभा में उद्घाटन के अवसर पर सभी समाजवादी साथी हम लोग एकत्रित हैं और आज हम लोग संकल्प लेकर जाने का काम करेंगे कि आने वाला कल और आने वाला आज सुबह हम लोग लगातार क्षेत्र में जनता के द्वार पहुंचने का काम करेंगे, जनता के बीच रहकर उनके समस्याओं का निराकरण करने का काम करेंगे और साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट करने की अपील करने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़
गढ़ कैंट विधानसभा कई दशकों से बना है, अगर उसको तोड़ने का कोई काम करेगा तो हमारी छोटी बहन बड़ी बहन आदरणीय पूजा यादव करेंगी। यहाँ पर लगातार दादा दादी जो है, पिता पुत्र माता जी का यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो है चक्रव्यूह हमेशा रहा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के विधायक जो है हमेशा जनता के बीच में रहते थे, मगर कोई काम नहीं करते थे। आज विकास ठप है, पेयजल की समस्या है, जाम की समस्या है, सीवर चौक है, तमाम जटिल समस्या है। अगर उस जटिल समस्या का निराकरण कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी का छोटे से कार्यकर्ता के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टिकट देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, जो टिकट देकर संघर्ष करने का जो है बिगुल बजाकर कैंट विधानसभा में भेजने का काम किया, निश्चित रूप से हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आभारी हैं कि उन्होंने एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को महानगर का अध्यक्ष बनाकर जो सम्मान दिया, MLC आशुतोष सिन्हा को टिकट देकर विधान परिषद में भेजने का काम किया, हमारी छोटी बहन आदरणीय पूजा यादव को टिकट देकर कैंट विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो भेजने का काम किया, निश्चित रूप से बनारस में निश्चित रूप से आने वाला कल लाल और हरा झंडा का होगा, लाल और हरा झंडा का परचम पूरे कैंट विधानसभा में फहराने का काम करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मगर उस गंगा माँ के लाल ने सिर्फ काशी की जनता को, निरी जनता को झूठ बोलकर, स्टैंडर्ड झूठ बोलकर छलने का काम किया। यहाँ पर विकास एकदम ठप पड़ा हुआ है, सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला है। आज की जो बुनियादी समस्या है, जो आज की जरूरत है, वो रोटी कपड़ा मकान दवा दवाई सस्ती हो, इसकी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, मैं खुशरंगीना, आर वॉइस न्यूज़।